नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज़मगढ़ राष्ट्रीय महिला आयोग उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर 23 व 24 जनवरी 2021 का महिला आयोग की सदस्य माननीय संगीता तिवारी, सिविल जज शैलेजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह एवं SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से शुभारम्भ किया गया। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत उपस्थित सभी लोगों द्वारा हस्ताक्षर एवं बने हुए सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी ली गई। हर साल भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर देश भर में बालिका बचाओ अभियान चलाए जाने लगे। इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशो और लड़कियों को स्वच्छ सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लड़कियों के लिए चलाया गया था, एक बहुत अच्छा कदम है। इसके जरिए लड़की और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है। महिलाओं के प्रति होने वाले कई अमानवीय प्रथाओं जैसे भ्रूण हत्या अब कम हो गए हैं। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग की 20% लड़कियों को एवं 9 से 13 वर्ष आयु वर्ग तक की लड़कियों को स्कूल भेजने से रोका जाता है। इस प्रकार लगभग 42% लड़कियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। हमें आज जरूरत है लड़कों के सम्मान ही लड़कियों को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वह समाज और देश का नाम रोशन कर सके। आगे उन्होंने बताया कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर की पीड़ित महिला, घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, बलात्कार आदि से पीड़ित महिला अपनी शिकायत महिला आयोग में आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकती है। इसके लिए आयोग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर 6306-5117-08 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई पीड़ित महिला अपने आवेदन पत्र एवं आधार कार्ड भेज सकती है, जिससे महिला आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिविल जज शैलजा मिश्रा ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कानून पक्षों को विस्तार से सरल शब्दों में बताया। उन्होंने बताया कि निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत है, वहां पर महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए आंतरिक परिवार समिति गठित की जाती है एवं जहां पर 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोकल कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10 जिलों में वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1098, चाइल्ड लाइन 102, स्वास्थ्य सेवाएं एवं 108 एम्बुलेंस सेवा भी चलाई जा रही है। इसी के साथ ही महिला थाना अध्यक्ष आज़मगढ़ खुशबू त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किए जाने के लिए प्रत्येक थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इस महिला हेल्प डेस्क पर महिला कर्मचारी की तैनाती की गई है, जिस पर कोई पीड़ित महिला दूर दराज से आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उसकी समस्या को निस्तारित किया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 PRV वैन चलाई जा रही है। इस अवसर पर हिना देसाई समाज सेविका ने बताया कि आज आज़मगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर 1012 महिलाओं की संख्या है। 6 वर्ष के आयु वर्ग में 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर सभी कार्य कर सकती हैं, फिर भी हम अपनी रूढ़िवादिता सोच के अनुसार लड़कियों के अपेक्षा लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लड़कों के अपेक्षा लड़कियां अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करती हैं, इसलिए हमें बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार।